अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं वेंचर टेक। तो यस्टरडे हमने अपने चैनल पे 4 डिजिट 4G एनर्जी की अनबॉक्सिंग अपलोड की थी। इस डिवाइस में काफी अच्छे बेसिक फीचर्स है, जिस तरह के आपको इसमें 1 GB रैम, 8 GB की स्टोरेज, इसके साथ साथ टच एंड टाइप डिवाइस है। ये प्राइस की बात करें तो 6400 इसकी रिटेल प्राइस है। 4G enabled है, इसके साथ साथ वाईफाई हॉटस्पॉट की अवेलेबिलिटी भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आपने चेकआउट करनी हो तो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में जो हमारे पास डिवाइस है वो है Xiaomi Redmi Note 11। इसकी बात करें तो ये रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है। दो वेरियंट्स में आपको देखने को मिलेंगे, 4GB रैम एंड 6GB रैम के साथ। ये वेरिएंट 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ आता है। स्पेसिफिकेशंस वाइज इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। कैमरा डिपार्टमेंट में 15 MP का मेन कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है, इसके साथ साथ 13 MP का सेल्फी कैमरा है। और अगर बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है। 33 वाट्स का चार्जर इसमें इनसाइड द बॉक्स देखने को मिलता है। लेट्स सी कितनी देर में इसकी जो बैटरी है वो फुली चार्ज होगी। इसके साथ साथ अगर बात करें मजीद स्पेसिफिकेशन, इसको अनबॉक्स करते हुए डिस्कस आउट करेंगे। अभी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनसाइड द बॉक्स हमें क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। तो ये हमारे पास हमारी डिवाइस है Xiaomi Redmi Note 11। फ्रंट पे आप इसके लुक चेक आउट कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक की। इसके साथ साथ अगर इसकी स्टोरेज और रैम की बात करें और कलर की बात करें तो नीचे आप इसका कलर भी देख सकते हैं, ट्वाइलाइट ब्लू के साथ आता है। और 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज है, 2 IMEI मेंशन है, यानी ये डुअल सिम है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके साथ साथ आपको एक वारंटी कार्ड भी पीछे देखने को मिल जाएगा जो कि इसके अंदर इंग्रेव्ड है। तो लेट्स अनबॉक्स दिस फोन नाउ। इसके ऊपर से प्लास्टिक शीट को रिमूव करता हूँ और देखते हैं कि इनसाइड द बॉक्स हमें क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं। तो डिवाइस के ऊपर से हमने प्लास्टिक कोटिंग को रिमूव कर लिया। और अनबॉक्स करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए जो पाकिस्तानी मार्केट में जितनी भी न्यूएस्ट डिवाइस होती हैं कोशिश करता हूँ उनकी अनबॉक्सिंग और उसके तमाम टेस्ट आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड करूँ, ताकि अगर आपने ये डिवाइस बाय करनी हो तो आपको ईजी डिसीजन लेने में ईजीनेस फील हो। तो इसके ऊपर सबसे पहले आप अपना बॉक्स रिमूव करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको एक कार्ड बॉक्स देखने को मिलेगा जिसके ऊपर पावर्ड बाय रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपकी इसके प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसको बाद में चेकआउट करते हैं, सबसे पहले तो अपनी मेन चीज़ जो कि है हमारी डिवाइस उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। इस डिवाइस के ऊपर कुछ आपको इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस मेंशनड आउट है। कुछ स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको शुरू में बताई थी और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको 680 का क्वालकॉम की तरफ से प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। 90Hz का फुल HD+ डिस्प्ले है, AMOLED, इसके साथ साथ 33W की प्रो फास्ट चार्जिंग है, 50MP का AI क्वाड कैमरा है इसमें, अल्ट्रा वाइड और इसके साथ साथ मैक्रो लेंजेस भी दिए गए हैं। तो चलिए अपनी डिवाइस को प्लास्टिक शीट से रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी, अभी आपको मैं इसका डिज़ाइन चेकआउट कराता हूँ कि ये हमारे पास डिज़ाइन में देखने को कैसी है। तो ये है हमारे पास Xiaomi Redmi Note 11। और अगर इसके आप डिज़ाइन की बात करें तो आप इसका डिज़ाइन ऊपर से कैमरे का भी चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा चेंज डिज़ाइन है जैसा कि हमें Redmi Note 10 की सीरीज़ में देखने को मिला था, थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। बैक में अगर आप इसके डिज़ाइन की बात करें तो हल्के हल्के से आपको इसमें डॉट्स भी फील होंगे, काफ़ी सॉफ्ट फिनिश है इसकी बैक से। आप मूव ऑन करते हैं इसकी बाकी फ्रंट की तरफ। फ्रंट पे आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल मिड में एक सेल्फी कैमरा दिया गया है। अभी अपनी डिवाइस को ऑन करते हैं और जितनी देर में हमारे पास हमारी डिवाइस ऑन होती है हम बाकी स्पेसिफिकेशन एक्सेसरी चेकआउट कर लेते हैं कि इनसाइड द बॉक्स हमें और क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो ये मूव करते हैं कार्ड बॉक्स की तरफ। कार्ड बॉक्स की बात करें तो उसको हम ओपन करते हैं। इसके अंदर आपको एक सिम इंजेक्शन टूल देखने को मिल जाएगा, इसके साथ साथ यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाएंगे। यूज़र मैनुअल हमने कभी वैसे पढ़ने तो होते नहीं है, लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे इसका बैक कवर देखने को मिलेगा जो कि सिलिकॉन का है। तो ये भी अभी आपको चेकआउट करा देते हैं। अगर क्वालिटी की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास ये मीडियम सी मीडियोकर क्वालिटी होती है, जैसा कि हमारे पास तमाम रेडमी के फ़ोन्स में पहले भी देखने को मिलती है। ये हमारे पास रेडमी नोट 11 का कवर है। मूव ऑन करते हैं अब इसके बॉक्स की तरफ। लेट्स सी बॉक्स में हमें और क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं। तो ये इसके ऊपर से एक कार्ड बॉक्स एक और है, इसको भी रिमूव करते हैं। मूव ऑन करते हैं अपने चार्जर की तरफ एंड लेट्स सी कि हमारे पास जो इसका चार्जर है
वो कितने वाट सपोर्ट करता है, तो ये आप चेक आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास Xiaomi Redmi Note 11 का चार्जर है। वैसे तो एडवर्टाइज़ किया गया है 33 वाट्स का फास्ट चार्जर है। हम इसको चेकआउट भी करेंगे प्रॉपरली, जब इसका टेस्ट आउट करेंगे तो वी विल सी कि ये कितनी देर में हमारे पास फुली बैटरी हमारी चार्ज आउट करेगा। तो यहाँ पे अगर मेंशन आउट की जाए तो ये मैक्सिमम 27 से 33 वाट्स मैक्स पे जाता है। अब इसकी केबल की बात कर लेते हैं। केबल की बात करें तो आपको पता है इसमें आपको टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगी, जो कि हमारे पास फास्ट चार्जिंग केबल होती है। तो अभी मैं अपनी डिवाइस को सेटअप कर लेता हूँ और जितनी देर में हमारे पास हमारी डिवाइस सेटअप होती है मिलता हूँ उसके बाद। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम डिस्कस आउट कर लेंगे। ये हमारे पास हमारी डिवाइस है जो कि इस टाइम ऑन तो हो चुकी है, और इसमें आपको Xiaomi की तरफ से न्यूएस्ट MIUI 13 देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 11 की सपोर्ट के साथ। इसके साथ साथ अभी मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे जब हमारे पास ये डिवाइस प्रॉपरली सेटअप हो जाएगी, तब इसके कुछ सॉफ्टवेयर और इसके हार्डवेयर के बारे में डिस्कशन आउट कर लेंगे। इसका कैमरा भी चेकआउट करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो देखेंगे कि इसमें 128 GB में से कितनी स्टोरेज देखने को मिलती है। तो हमारे पास हमारी डिवाइस मुकम्मल तौर पर सेटअप हो चुकी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका काफ़ी इंप्रेसिव डिस्प्ले है। और कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात करें तो राइट साइड पे आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलेगा, बॉटम पे एक स्पीकर है, इसके साथ साथ आपको इसमें चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगी। अप साइड की बात करें तो अप साइड पे भी आपको एक स्पीकर देखने को मिलेगा, 7-8 GB जैक देखने को मिलेगा 3.5 mm का। बैक साइड पे तो आपको पता है आपको आपका कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पास क्वाड कैमरे का सेटअप है, 50 MP मेन कैमरा, 8 MP अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP के इसमें आपको मैक्रो लेंसेज दिए गए हैं। अब मूव ऑन करते हैं अब इसी नेट एंड इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की तरफ। आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये डिवाइस 60 Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, जिसको आप चेंज आउट कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाके आपने रिफ्रेश रेट में जाना है और उसको 90 Hz पे सेट आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये इस पे आपको क्रोनिंग रीला ग्रास ट्री की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आपको पता है इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इसमें आपको ये स्प्लैश IP53 स्प्लैश एंड डस्ट प्रोटेक्शन है इसमें आपको दी गई। इसके अलावा बात करें तो इसमें मैं आपके लिए एक तमाम प्रॉपर वीडियो सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें हम इसका गेमिंग टेस्ट करेंगे, इसका बैटरी चार्जिंग बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे, और इसका कंपैरिजन भी करेंगे और कैमरा टेस्ट भी करेंगे, जिसमें हम इसका प्रॉपर कैमरा चेकआउट करेंगे। फिलहाल इसके कैमरे में मूव ऑन करते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैमरे के ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें आपको प्रो मोड देखने को मिल जाएगा, वीडियो मोड देखने को मिलेगा, फोटो पोर्ट्रेट मोड में बात करें तो इसमें आपको नाइट मोड देखने को मिलेगा, 50 MB की शॉर्ट देखने को मिलेगी, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइमलैप्स का भी ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब मूव ऑन करते हैं इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स की बात करें तो इसमें आपको देखते हैं कितनी मैक्सिमम FPS तक ये आपको प्रोवाइड करेगा। अब मूव ऑन करते हैं इसकी सेटिंग्स की तरफ वीडियो में और देखते हैं कि तो अभी आपने नोटिस डाउन किया होगा कि एक छोटा सा कैमरे में बग देखने को मिला था, जो मैंने एक बार ऐप क्लोज भी किया और दोबारा रन किया तो फिर भी इशू मुझे शो हो रहा था। तो आई हैव टू रिस्टार्ट द डिवाइस, और डिवाइस जब हमारे पास रिस्टार्ट होके आई है तो उसके बाद कैमरा ने दोबारा प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट किया है। ये एक छोटा सा बग मुझे नज़र आया, मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। अभी इसका कैमरे की सेटिंग्स की तरफ दोबारा मूव ऑन करते हैं और मैक्सिमम अगर सपोर्ट की बात करें तो 720p पे 30 FPS, 1080p पे 30 FPS, इसके साथ साथ हमारे पास बात करें तो 720p पे 60 FPS की मैक्सिमम वीडियो ये शूट आउट कर सकता है। हमारे पास Xiaomi Redmi Note 11 की एक छोटी सी रिव्यू और एक अनबॉक्सिंग वीडियो, इस पे हम कंप्लीट टेस्ट बनाएंगे जिसमें हम इसके तमाम एक्सपर्ट्स को डिस्कस करेंगे, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस, इसके साथ साथ इसका कंपैरिजन भी करेंगे। अगर आपने किसी डिवाइस के साथ इसका कंपैरिजन करना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका कंपैरिजन आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई इन्फॉर्मेशन इस डिवाइस से रिलेटेड चाहिए हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको वो भी ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।